वीरभद्र सावधान, आ रहा है हनुमान। इस बालक की मृत्यु कदाचित मेरे ही हाथों नियत है। बालक मेरे इस विकराल रूप से भयाक्रांत तो नहीं हो गए ना? काल हूं मैं तुम्हारा, काल। युद्ध से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, किंतु मेरा आप पर प्रहार करना अनिवार्य है नंदी जी। यदि महाराज वीरमणि अहंकार में आकर प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने एवं महादेव का आह्वान करने की भूल ना करते तो कदाचित इस युद्ध को टाला जा सकता था, किंतु अब राम काज को पूर्ण करने के लिए हनुमान इस संकट का सामना करने के लिए तत्पर है। अब और क्रीड़ा नहीं, अंत करूंगा मैं तुम दोनों का, अंत। अद्भुत है इस बालक का साहस, किंतु मेरी असाधारण शक्ति अब इसका भी संहार करेगी। तुम्हारे ये बाण मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते बालक, किंतु मेरे प्रहार से तुम्हारा बचाव असंभव है। पुष्कर! पुष्कर मेरे पुत्र, ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु, पुष्कर भी आहत हो गया। जिस प्रकार बाल्यकाल में वायु देव ने मुझे रक्षित किया था, उसी प्रकार से मुझे पुष्कर को भी रक्षित करना चाहिए।
दंभ के कारण अनेकों बार मैंने आपकी अवमानना की। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को त्यजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। पुष्कल, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। उठो पुष्कल, उठो। पुष्कल, शत्रुघ्न और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। ये कैसे हो गया प्रभु? मैं अपना वचन नहीं निभा सका। विफल हो गया आपका हनुमान। राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कल की रक्षा नहीं कर सका मैं। पुष्कल उठो, उठो पुष्कल। हो तुम? हाँ, दुआओं सान न करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में पड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव के जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूं। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तू आओ सामना करो मेरा,
सकता हूँ सामना करूँ। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हर लेंगे हनुमान, तुम्हारे हृदय को अपना आहार बनाऊंगा मैं। सुना है वानर का हृदय बहुत स्वादिष्ट होता है। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो उसको पाना तो दूर, तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे वीरभद्र। महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान, किंतु मुझसे टकरा कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भक्त की भक्ति और धर्म की शक्ति भूल नहीं हो सकती वीरभद्र। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का सामना करूंगा मैं वीरभद्र, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस भ्रम में मत रहो हनुमान, लो सहो मेरा प्रहार। दो महायोद्धाओं के मध्य ऐसा भीषण युद्ध कभी किसी ने ना देखा होगा। हाँ देवराज, साहस बल और क्षमता में एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं दोनों। सत्य, दोनों ही रुद्र के अंश, किंतु इस युद्ध का महाविनाशक परिणाम की चिंता सता रही है मुझे। मुझे प्रभु के भतीजे का वधिक दिखाई दे रहा है, जिसे मैं मसल के रख दूंगा। तुमने मुझे मात्र एक शत्रु दिखाई दे रहा है, वो शत्रु जिसने महादेव की शक्ति को ललकारा है। तुम्हें तो अवश्य पराजित करूंगा मैं, अवश्य। युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है, युद्ध भक्त और भगवान के मध्य एक प्रचंड रण।
यदि नंदी और वीरभद्र दोनों ही हनुमान को पराजित करने में असमर्थ रहे तो दुर्भाग्यवश मैं उससे युद्ध करने के लिए विवश हो जाऊंगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म करेगी तुम्हें वीरभद्र, जिसका जन्म ही महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है, उसे तुम्हारा क्रोध क्या भस्म करेगा हनुमान? हनुमान की अपार शक्ति को खंडित करना ही होगा। प्रभु की शक्ति किसी से पराजित नहीं हो सकती। तीव्र गति से वार करूंगा हनुमान पर। इतनी गति का संचार कर प्रहार करूंगा हनुमान पर कि वो अपना बचाव ना कर सके। जी बढ़े आ रहे हैं इतनी तीव्र गति से। वीर भद्र नंदी शिवगामी सब हूँ शंकर गण बलशाली, युद्ध महासम्मुख श्री त्रिलोचन संकट पाए संकट मोचन। ये गाथा बाबली मत की रुचि कर लीला राम भक्त, जय 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 रघुनंदन जय जय। अब प्रभु महादेव के इन दोनों महायोद्धाओं के प्रकोप से कोई भी हनुमान की रक्षा नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पराजय निश्चित ही है, तो व्यर्थ में युद्ध क्यों कर रहे हो हनुमान? अश्वमेध यज्ञ का अश्व तो तुम खो चुके हो और तुम्हारी सेना के वो दो महायोद्धा धूल धूसरित हो चुके हैं। तुम्हारा वो राजकुमार पुष्कल हताहत हो गया है और तुम्हारा राजकुमार शत्रुघ्न रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़ा है। हर हर महादेव। आ!
हनुमान, शीघ्र तुम भी अपने दोनों महान योद्धाओं के समान दयनीय अवस्था में होगे। अपना शीश इसके हाथों में नहीं आने दूंगा मैं। अपनी पराजय स्वीकार कर लो हनुमान, टेक दो घुटने। मेरे महादेव के महारुद्र रूप में वीरभद्र तुम्हारे समक्ष काल बनकर खड़े हैं हनुमान। अपने उद्देश्य में तो असफल ही हो चुके हो तुम हनुमान, इसलिए वैसे भी तुम्हारे जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं है। यही सही अवसर है हनुमान पर घातक वार करने का। और प्रभावी वार करना होगा मुझे हनुमान पर। बच गया ये वानर। अश्व की मुक्ति है मेरा उद्देश्य, प्रभु श्री राम का काज है मेरा उद्देश्य, जिससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। मेरे रहते व्यर्थ नहीं जाएगा राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कल का योगदान। कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आए, कोई भी मुझे रोकने का प्रयास करे, राम काज अधूरा कदापि नहीं रहेगा, कदापि नहीं रहेगा। प्रभु का अश्वमेध यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। साधारण युद्ध नहीं है ये, इस भक्त की भक्ति की परीक्षा है ये युद्ध। प्रभु श्री राम का कार्य है ये, जिसमें असफलता स्वीकार नहीं है मुझे। हनुमान की भक्ति, अपने प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा, उसमें असीम शक्ति का संचार करती है। नहीं तो नंदी और वीरभद्र जैसे महायोद्धाओं से कोई कैसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा सहन नहीं करूंगा मैं। Yeah!
और वीरभद्र के पश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा। हे महादेव, अब आप ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा कीजिए। नंदी जी और वीरभद्र की पराजय का अर्थ है कि अब हनुमान को स्वयं महादेव के साथ युद्ध करना होगा। महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया था। अब यदि रुद्र स्वयं रुद्रांश से युद्ध करेंगे तो न जाने कैसा महासंकट उत्पन्न हो जाएगा। भोले बाबा, प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य में असफल हो चुका हूँ मैं। राजकुमार शत्रुघ्न आहत मूर्छित पड़े हैं और वीरभद्र के हाथों राजकुमार पुष्कर का वध हो गया। उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, किंतु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत भक्त लड़े भगवान से, ये कैसी गरी। उचित है हनुमान, तुम अपने धर्म का पालन करो, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूँ अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्थात सुरक्षित हूँ मैं, स्वयं रुद्र के समक्ष कहाँ टिक सकेगा ये रुद्रांश। एक दूसरे सम शिव शिव अंशा, चिंतित सब चित मन आशंका। उत्सृष्टि संहारक शक्ति, इत बल के पर्याय की भक्ति। उत खड़े रौद्र रुद्र त्रिलोचन, इत सृष्टि के संकट मोचन। असमंजस मह पड़े कपिराई, शिव कपि शत्रु बन अकुलाई। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोले बाबा, हनुमान का नमन स्वीकार करे प्रभु। अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नियति के समक्ष हम दोनों विवश है हनुमान। अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा। अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से अपने बल और बुद्धि से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है तुमने, किंतु क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे तुम? युद्ध कर सकोगे तुम? युद्ध कर सकोगे? अपने अस्त्र उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारंभ करो। ये क्या करने जा रहा था मैं? मेरे पिता तुल्य हैं आप, आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं आप। मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? रुक जाओ हनुमान, पीछे जाने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। यदि वास्तव में अपने गुरु का सम्मान करते हो हनुमान, तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो। परंतु? किंतु परंतु का नहीं, ये समय युद्ध का है हनुमान।
युद्ध में केवल शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, भावुकता का नहीं। प्रहार का प्रयोग का प्रहार से दिया जाता है, याचना से नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हनुमान को स्वयं युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? तुम्हारे प्रभु ने तुम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास का मान रखो हनुमान। आगे बढ़ो और अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी। वीरता से युद्ध कर अपना महायोद्धा पुकारा जाना सार्थक करो महावीर। प्रभु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभु का महान सेवा कहलाना सार्थक करो राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान। इस युद्ध का क्या अर्थ है? ये तो अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है। स्वामी, जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है? देवी, जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो तो घटित होकर ही रही। स्वामी, प्रभु और भक्त का, पिता और पुत्र का, रुद्र और रुद्रांश का कैसा अनिष्टकारी युद्ध है ये? क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? सृष्टि में कुछ भी कभी अकारण नहीं होता प्रिय। इस संसार को इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। रात्रि के बाद ही दिवस आता है, अशुभ के बाद ही शुभ का संचार होता है, वैसे ही विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। संभव है निर्माण के पूर्व होने वाले विनाश का प्रारंभ हो गया है। निर्णय लो हनुमान, क्या करोगे तुम? पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करोगे? असमंजस जो फंसे कपीराई, तब शिव धर्म का मार्ग बताए। हनुमत निष्ठा राम पे धारे, युद्ध श्री शंकर संग स्वीकारे। गाना महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है। विराट सृष्टि का विध्वंस सोच कर, अद्भुत दृश्य था ये। कैसे ये दिव्य सर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्तित हो गए। हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उन्हीं के धनुष विजया का आवाहन किया। महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवाहन तो अवश्य किया है हनुमान ने, किंतु उनके अस्त्र प्रभु के दिव्यास्त्रों का सामना कहां कर सकेंगे? मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान, किंतु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे भीषण से भीषण प्रहार करूंगा। तब्ध क्यों हो हनुमान, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मयूर बाण।
धर्म का अधर्म से संघर्ष तो अनेकों बार देखा है मैंने, किंतु प्रथम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा हूं। पिता और पुत्र दोनों ही अपार शक्तियों से संपन्न है, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तुम्हारा पराक्रम प्रमाणित करता है कि किसी उत्तम गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने। भोले बाबा, युद्ध कला में आपसे उत्तम गुरु भला और कौन हो सकता है? ये शिक्षा तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है प्रभु। तो आओ पुत्र, अब इस युद्ध में और भी कठिन परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नाग विशास्त्र प्रकट हो। प्रभु महादेव तो महाविनाशक महाअस्त्र नाग विशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उनका साधारण नागबाण इतना भयंकर था तो उनका महाअस्त्र तो अनेक गुना और प्रबल होगा। गरुड़ास्त्र। स्वामी के महानाग विशास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, गरुड़ास्त्र भी उसको निरस्त नहीं कर सकता। प्रभु के बाण ने तो निगल लिया हनुमान के गरुड़ास्त्र को। अस्त्र का विषैला धूम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपनी चेतना नहीं खो सकता। हनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? ये तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव, इससे अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हनुमान भले ही नीलकंठ महादेव का अंश है, किंतु नागविशास्त्र में तो ब्रह्मांड के समस्त विष का प्रभाव समाहित है। वो महादेव का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र हनुमान को क्षति पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद जो है उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी इस युद्ध। हनुमान, प्रतीत होता है तुम्हारे गरुड़ अस्त्र ने मेरे नागविशास्त्र की कुछ शक्ति हर ली, अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता। इतनी सरलता से तो पराजित नहीं हो सकते। क्या अपनी शक्ति भूल रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो? भूल रहे हो कि तुम्हें राम काज संपन्न करना है? सकुशल रहेगा हनुमान, रक्षित रहेगा हनुमान। आपका
का शिष्य कुछ नहीं भूला भोले बाबा। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करेगा आपका ये शिष्य भोले बाबा। आप जो भी बाण चलाएंगे उसका सामना करने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हनुमान जीवित है रामकाज का पूर्ण होना निश्चित है। धन्य हो पुत्र, अपने अंश रुद्रांश से मुझे यही आशा थी। कैसी दुविधा, कैसी विडंबना है ये। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर जो मेरे पति मेरे स्वामी के साथ युद्धरत है, और कोई नहीं मेरा पुत्र है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक पीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि महाविनाशक युद्ध में एक ओर उसका पति हो और दूसरी ओर उसका पुत्र। अब मेरे रुद्रांश को मेरे रुद्रास्त्र का सामना करना होगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु, अपने ही रुद्रास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं अपने ही रुद्रांश पर। रुद्रास्त्र तो वो अस्त्र है जिसमें सभी 11 रुद्रों की शक्ति समाहित है। मैं रुद्रास्त्र का आवाहन करता हूं। वायु अस्त्र और वरुण अस्त्र का आवाहन करता हूं। हमारे अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति भी प्रभु के रुद्रास्त्र का साथ नहीं। हनुमान को इस महासंकट से निकलने के लिए कोई और उपाय करना होगा। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरीत। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी गरीत। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवांश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। सदैव धर्म का अनुसरण किया है मैंने, कभी अपने धर्म पथ से नहीं भटका, इसलिए इस धर्म युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। किंतु मैं रुद्रास्त्र को कैसे रोकूं?
रोकने के लिए शीघ्र कुछ करो पुत्र। भोले बाबा ने अपने समस्त रुद्र रूपों की शक्ति का संचार किया है, तो रुद्रांश होने के नाते मुझे भी अपने 11 रूपों की शक्ति का अनुसरण करना चाहिए। एकादश शक्ति संचारा शिव रुद्रास्त्रा जब हूँ मारा, जान सामना दुष्कर भारी, एकादश कपि रूप लिधारी। दो महाशक्ति संहारक, दो घातक, दो विनाशक, हनुमत निष्ठायक रघुराई, शिव से युद्ध किए जिस लाई। लाला महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मृत्यु स्वीकार है मुझे, पराजय नहीं। अपनी अंतिम श्वास तक पूर्ण क्षमता से प्रयत्नरत रहूंगा। मूर्छित अवस्था में हनुमान अंतरिक्ष के अनंत विस्तार में खोते जा रहे हैं। मेरे पुत्र रुद्रांश को रुद्राश कैसे परास्त कर सकता है? शीघ्र अपनी मूर्छा से उठकर रणभूमि में लौटेगा हनुमान। अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। शक्ति चेतना हनुमत पाई, शून्य से भूखो चले कपिराई, राम काज मन ही मन ठाना, जालाए तत्पर हनुमाना। राम बाण सम उड़े हनुमंता, पार किए अनगिन ब्रह्मांडा, देखी पार बती हर साई, प्रज्वल यज्ञ शुचि हो आई। लाला महाबली हनुमत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु श्री राम के महायज्ञ में आए प्रत्येक अवरोध को मिटा कर ही रहूंगा मैं। उसके लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव से भी युद्ध करना पड़े तो करूंगा मैं। ये भयानक ध्वनि कैसी है? हनुमान, ये तो इतने तीव्र वेग से आ रहा है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। सेवक हनुमान, पुनः आपका प्रहार सहने के लिए प्रस्तुत है भोले बाबा। आहत हुआ कष्ट साहब, किंतु अपने संकल्प से नहीं डिगा मेरा पुत्र हनुमान। एक समान है दोनों पिता पुत्र,
अपने निश्चय पर अडिग रहेंगे, युद्ध से पलायन कदापि नहीं करेंगे। प्रभु, आप कितने भी परीक्षा ले लीजिए, अपने इस रुद्रांश की, ब्रह्मांड की समूची शक्ति का भी सामना करूंगा मैं, किंतु अपने प्रभु के काज में अटल रहूंगा। ये क्या कह दिया हनुमान? कहीं हनुमान ने ये कहकर अपने लिए महासंकट तो आमंत्रित नहीं कर लिया? ब्रह्मांड की शक्ति से भी युद्ध करने के लिए तत्पर हो तुम तो सुनो, ब्रह्मांड के सभी जीवों की शक्ति का संचय है जिस अस्त्र में, उस पाशुपतास्त्र का प्रहार करूंगा तुम पर। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। अब आपको पाशुपतास्त्र चलाना ही चाहिए। आपके अन्य अस्त्रों से सुरक्षित रहा है ये वानर, किंतु आपके पाशुपतास्त्र से इसका मरण निश्चित हो जाएगा। प्रभु, युद्ध कौशल में आप मेरे गुरु हैं भोले बाबा, मैंने सब आपसे ही सीखा है। युद्ध भूमि में योद्धा को मरण भी स्वीकार होना चाहिए, किंतु समर्पण नहीं। मेरा वचन है, पाशुपतास्त्र अस्त्र का भी सामना करूंगा मैं, किंतु राम काज के लिए बढ़े मेरे पग कदापि पीछे नहीं हटेंगे। प्रतीत होता है हनुमान को पशुअस्त्र की अपार शक्ति का अनुमान नहीं। पाशुपतास्त्र हनुमान, कि तुमने क्या कर दिया? संसार के सबसे अधिक सर्वाधिक विनाशक अस्त्र को चुनौती दे बैठे। हनुमान सबल समर्थ है, किंतु पाशुपतास्त्र का सामना कर सकेगा अन्यथा नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का बल सोख रहा है यह अस्त्र। भोले बाबा का पाशुपतास्त्र तो ब्रह्मांड अस्त्र से भी प्रचंड प्रतीत हो रहा है। मेरी शक्ति महादेव के अस्त्र की शक्ति में समाहित हो रही है। प्रभु, धन्य हो गया मैं। प्रभु के पाशुपतास्त्र को हम देवता भी अपनी शक्तियां देने के लिए विवश हैं। हनुमान के विरुद्ध हमारी शक्ति का प्रयोग करेगा यह अस्त्र। आश्चर्य, इस अस्त्र में तो मेरी शक्ति भी मिल गई। मुझे भय है कहीं हनुमान का कोई अनिष्ट ना हो जाए। Huh.
त्रहीन असहाय होकर हनुमान पाशुपतास्त्र का सामना कैसे करेगा? जिस प्रकार मैंने ब्रह्मास्त्र के प्रहार को सहा था, वैसे ही पाशुपतास्त्र की अपार शक्ति का भी मैं सामना करूंगा। किंतु मैं भोले बाबा को दिए वचन को कभी भंग नहीं होने दूंगा। एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। जय श्री राम। हनुमान, जब तक इस धर्म युद्ध का अंत नहीं होता, अनेकों घातक अस्त्रों के प्रहारों के साथ अन्य अनेक कष्ट सहोगे तुम, जिसके कारण तुम्हारे प्रियजन और शुभचिंतक भी व्यथित होंगे। पाशुपतास्त्र तो हनुमान के अत्यंत निकट पहुंच चुका है। घोर संकट में है हनुमान। शस्त्र के विध्वंस से तो अनेक आसुरी और भयंकर शक्तियां उत्पन्न हो रही है। इस अस्त्र की प्रचंड ऊर्जा से और किसी को आहत नहीं होने दूंगा मैं। क्या करने का प्रयास करें हनुमान? पाशुपतास्त्र के प्रहार को झेलकर सुरक्षित रहना कठिन ही नहीं असंभव है। पाशुपतास्त्र जो शिव ने मारी, उत्सर्जे तू जाते भारी। सोई ऊर्जा निकले हनुमाना, डाल दिए संकट मह प्राणा। बाबली हनुमत की, अब और सहन नहीं कर सकती मैं। पुत्र इतनी पीड़ा में हो और माता देखती रहे, ये कैसे संभव है? यदि अंजना यहाँ होती तो पाशुपतास्त्र के समक्ष भी वैसे ही खड़ी होती जैसे उस स्वामी के त्रिशूल को रोकने उसके आगे आ गई। वो तो यही विचार कर निश्चिंत होगी कि उसका पुत्र देव कार्य में सुरक्षित है। उस दिन उस माँ ने अपनी ममता का परिचय दिया था, तो आज इस माँ को पिता और पुत्र के अनर्थकारी युद्ध के बीच आना ही होगा। हे माता शक्ति, संसार के समस्त जीवों की शक्ति का स्रोत तो आप ही हैं। कृपया प्रभु के पाशुपतास्त्र की शक्ति हर लीजिए। उसे अशक्त बनाकर इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए माता। क्योंकि हनुमान प्रतिबद्ध है, वो एक पग भी पीछे नहीं हटेगा। हे देवी शक्ति, अब आपका ही आसरा है। शक्ति विहीन कीजिए प्रभु के इस अस्त्र को, रक्षा कर लीजिए पुत्र हनुमान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप में आने से न जाने ये युद्ध अब क्या रूप लेने वाला है।
प्रणाम माता। अचेत योद्धा थे माता, वो तो पुनः कुशल हो गए, किंतु पुष्कल दुर्भाग्यवश अभी भी उसके प्राण उसकी देह से विलग हैं। माता के आशीर्वाद से हनुमान की रक्षा तो हुई ही, उसके साथ उस दिव्य शक्ति के संचार से जो योद्धा आहत या अचेत हुए थे वो पुनः स्वस्थ हो गए। यदि पुष्कल में प्राण शेष होते तो वो भी पुनः जागृत हो उठता। हाँ वायुदेव, किंतु मुझे एक अन्य चिंता सता रही है। माता पार्वती के हस्तक्षेप के पश्चात कहीं ये युद्ध कोई भयंकर रूप ना ले, क्योंकि प्रभु महादेव कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपने क्या किया देवी? महादेव, ये एक माता की पीड़ा एवं एक पत्नी की विवशता का परिणाम है। यह संचित शक्ति आप एक ज्वालामुखी का रूप लेगी, जो ज्वालामुखी अपने अस्तित्व से सदैव इस संसार को दर्शाता रहेगा और सदैव स्मरण कराता रहेगा जब एक नारी के अपने एक दूसरे से युद्धरत होते हैं तो उसे कैसी असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है, और भविष्य में जब जब ऐसा होगा अनुचित किए बिना पुत्र अकारण संकट में आएगा, तब तब उसकी माता अपने संपूर्ण सामर्थ्य से उसकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे पुत्र हनुमान ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, इसलिए मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। यदि आपको अपना वचन एवं हनुमान को अपना सेवक धर्म निभाना ही, तो मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे भी अपनी ममता का धर्म निभाने का अधिकार है। देवी, आपकी चिंता, आपकी पीड़ा समझता हूं मैं, किंतु यहां इस धर्म युद्ध में पिता और पुत्र नहीं अपितु वचन और धर्म में संघर्ष है। ये समझने की चेष्टा कीजिए आप। मेरी सुविधा समझिए आप। विजय पति की हो या पुत्र की, पराजित तो नारी ही होती है। जिस युद्ध का परिणाम मुझे भुगतना होगा उसकी भागीदार तो मैं ही हुई, इसलिए मुझे इसमें सक्रिय भाग लेने से रोकने का एक ही उपाय है। आपको युद्ध को युद्ध अभी रोकना होगा। मां, ये युद्ध रुक नहीं सकता। देवी, जिस प्रकार अग्नि में तपकर ही स्वर्ण निखरता है, उसी प्रकार बड़ी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने वाले ही महारथी कहलाते हैं। संसार में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। हनुमान को
मुझसे युद्ध कर जगत विजेता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उससे वंचित मत करिए उसे। आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास है तो युद्ध में उसकी सहायता कर समस्त संसार में उसे दुर्बल प्रमाणित मत कीजिए। युद्ध ये प्रचंड है, प्रलय का शंखनाद है, शिव से शिवाश का ये युद्ध सर्वनाश है, ये युद्ध सर्वनाश है। हे ईश्वर, ये युद्ध सुलझाने के बजाय और भयंकर रूप लेता जा रहा है। यदि इस प्रकार युद्ध हुआ तो सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाएगा।